नमस्कार दोस्तों, स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल को और नए डिक्टेशन सबसे पहले लिखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। डिक्टेशन स्टार्ट। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनावों के लिए हुए मतदान के समय कई बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खामी के कारण दोबारा मतदान की नौबत आना कोई नई अनोखी बात नहीं, लेकिन उसके आधार पर ईवीएम पर संदेह जताना सोची समझी संकीर्ण राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को अविश्वसनीय बताने की ताक में ही रहते हैं। यही कारण है कि वे ईवीएम में खामी खराबी के हर प्रसंग के पीछे साजिश देखने लगते हैं। इसके तहत वे यह रेखांकित करने की साख तौर पर कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता है। यह और कुछ नहीं, एक ऐसी संवैधानिक संस्था की गरिमा से खिलवाड़ है जिसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में है। आखिर चुनाव आयोग पर हमला करने वाले किस मुंह से यह कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार के समय संस्थाओं का निरादर हो रहा है। यह हैरत की बात है कि चंद दिनों पहले जो तमाम विपक्षी नेता कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की साझा सरकार के गठन का जश्न मना रहे थे, वही नए सिरे से ईवीएम पर संदेह जताने में लगे हुए हैं। यदि चुनाव आयोग केंद्रीय सत्ता के इशारे पर काम कर रहा होता, जैसा कि कई राजनीतिक दल और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भाजपा बहुमत से 8 सीट दूर रह सकती थी? ध्यान रहे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले यह दुष्प्रचार छेड़ा गया था कि उपचुनावों में ईवीएम के लिए ठीक काम करती है ताकि लोगों का उस पर भरोसा बना रहे। माना गया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम विरोधी बिलाप थम जाएगा, लेकिन बीते दिनों लोकसभा और विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनावों में कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी सामने आते ही फिर से साजिश के पहलू को उभार दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं ने तो ईवीएम में खराबी के मामले को लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भी करार दिया। जाहिर है कि इसी के साथ यह बेतुकी मांग भी की जाने लगी कि चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र से कराए जाने चाहिए। क्या मतपत्र से चुनाव कराने की मांग कर रहे राजनीतिक दल वैसे ही दिन देखना और दिखाना चाहते हैं, जैसे हाल में पश्चिम बंगाल में पंचायत
चुनावों के दौरान देखने को मिले। क्या मतपत्र से चुनाव कराने की मांग करने वाले उन खबरों से अवगत नहीं, या फिर जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते हैं, जो यह बता दिखा रही थी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह मतपत्रों पर जबरन मुहर लगाई और किस प्रकार मत पेटियों को तालाबों में फेंका गया। क्या ईवीएम के विरोध में खड़े हो रहे राजनीतिक दल बूथ लूटने और मतपत्र छापने वाले दौर की वापसी चाहते हैं? चूंकि कुछ लोग ईवीएम को जानबूझकर निशाना बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए बेहतर यह होगा कि चुनाव आयोग कहीं अधिक सतर्कता का परिचय दे, ताकि विरोधियों को दुष्प्रचार का मौका न मिले। उसे इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मतदान के दौरान ईवीएम में खामी के कारणों को समुचित ढंग से स्पष्ट किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इस डिक्टेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आपको जिस प्रकार के भी डिक्टेशन चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही एक नए और शानदार डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।